सो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला था सर क्लास 10th के मैथ के जो है एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है 16 वो कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, जो आप जो है ना नहीं भूलेंगे अगर आप एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको पता है क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। मीनार के, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जो मीनार बनेगा वो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा कि आधार से, ठीक है, कोई आधार मीनार के आधार से एकदम डीपली हमें इसे रीड करना है, और एक सरल रेखा मतलब कि मीनार का कोई आधार है और एक सरल रेखा, ठीक है, यहां पे बनाएंगे, ठीक है, अभी एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, मतलब कि दो बिंदुओं से, ठीक है, 9 मीटर और 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर ऊपर वाला के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब देखिए इसमें मैंने जो चीजें अंडरलाइन किया है ना, अगर वो चीजें आपको पता होता तो पहले ही आप इस क्वेश्चन को कर लिए होते। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो है बुक में बहुत ही कम है, मतलब बुक में है ही नहीं, इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते कि क्वेश्चन का आखिर सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, ये हम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक मीनार बनाया, ठीक है, एक मीनार बनाया, तो ये हमारा जो हो जाता है यहां से ये आधार स्टार्ट होता है। तो जब आधार से मतलब कि आधार से लगा हुआ जब कोण बनता है ना, शिखर को टच करते हुए यहां से जब हम इसे बनाते हैं, उसमें बोला गया था ना शिखर से उन्नयन कोण जो है वो इसमें बताया गया था कि पूरक कोण है। तो ये हमारा जो होता है ना, जो आधार से लगे मीनार के ये जो बिंदु होते हैं यहां पे जो बेस होते हैं, जो आधार से लगने वाले जो कोण होते हैं वो उन्नयन कोण होते हैं, और जो शिखर से जो है ना, शिखर से जो लगते हैं यहां पे, तो ये हमारा जो होता है ये अब नमन कोण होता है ये, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हैं कि जो आधार से लगता है, जो नीचे जो किसी भी चाहे वो आपका जो हो गया कोई भी मीनार हो गया या फिर कोई ट्री हो गया, तो उनके आधार से लगने वाले जो कोण बनते हैं हमारे वो उन्नयन कोण होते हैं, और उनके जो शिखर से लगने वाले जो कोण होते हैं वो अवनमन कोण होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमें जो है उसका आंसर जो है हमें हाइट जो है 6 मीटर फाइंड करना है। अगर हम फ्रेंड्स 6 मीटर हाइट फाइंड कर लेते हैं तो हमारा प्रूव हो जाता है कि 6 मीटर जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल एच जो है 6 है, तो हमें एच जो है फाइंड करके दिखाना है, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। और पूरक कोण क्या होता है, तो देख लीजिए पूरक कोण जो होता है ना, पूरक कोण, दो कोण आपने सुना होगा, जो पूरक कोण होता है वो हमारा जो होता है 90 डिग्री का होता है पूरक कोण, और हमारा संपूरक कोण होता है, जो हमारा संपूरक कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और एक फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा, इस फॉर्मूले के बिना फ्रेंड्स हम कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को, देखिए वो क्या है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यही क्वेश्चन मेन है जिसमें जो है बुक में दे नहीं रखा, और इस वजह से स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और दिया भी है तो बहुत ज्यादा डीपली दिया हुआ है, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और यही मतलब कि जो है ना 90% काम करेगा ये फॉर्मूला आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में, ठीक है। तो इसमें जो है हमें ये, इसमें दो चीजें हमें याद रखने हैं, ये और ये। तो चलिए जो है हम एक मीनार बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है ना, जो क्वेश्चन है आपका वो प्लीज आप जो है साथ में रखिएगा ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो एक हम मीनार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। और इसमें बताया गया है ना कि जो मीनार है, मीनार यहां पर दो बिंदु दिया गया है, मान लीजिए दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो इसमें बोला गया है कि उनका जो उन्नयन कोण है वो पूरक है, मतलब कि पूरक मतलब आपको मैंने बताया था कि 90 डिग्री का होता है कोण, पूरक है, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स इसको जो है ना कुछ भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी और ये से डी, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज समझिए कि यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो हमें ये है कि यहां पे बोला गया है कि इन दोनों का जो कोण जो है वो है पूरक कोण, मतलब कि 90 डिग्री का। तो हमें यहां पर दो बिंदु दिया गया है और दोनों बिंदुओं से यहां पर बोला गया है कि इनका जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो यहां पर आप समझिए कि 90
आपको पता है कि थीटा क्या होता है, थीटा आप समझ लीजिए, थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो चेंजेबल होती है। थीटा की वैल्यू जैसे हम कोई इक्वेशन पढ़ते थे तो उसमें एक्स वाई का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता था, कुछ भी आ जाता था। और क्वेश्चन में बताया गया है कि दो बिंदुओं से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है, मतलब कि 90 है दोनों को मिलाकर, ये नहीं कि एक का, ठीक है। तो दो बिंदुओं से शिखर का उन्नयन कोण बोला गया था, तो हम दो बिंदु ड्रॉ करेंगे। और पहला का बताया गया था कि 4 है और उसके बाद जो बताया गया था दूसरा वो 9 है, तो मतलब कि इन ये जो टोटल है ना, ये टोटल जो इनकी बेस की जो लंबाई है वो 9 है, तो ये हमें 4 पता चल गया, तो 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपली ऐसे कर देते हैं। अब यहां पर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे यहीं पे होता है, इन दोनों को जो मिलाकर जो है ना ये पूरक कोण है 90 डिग्री का। तो अगर हम जो है इसे जो है 90 मान लीजिए, इसे हम 90 मान लेते हैं, ठीक है 90 मान लेते हैं, तो इन दोनों को मिलाने के बाद 90 बना है ना, ये 90 नहीं है, दोनों को मिलाने के बाद 90 बना है। तो अब आप यहां पे समझिए कि इसमें जो है अगर हम इसे थीटा माने तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर जो है अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो है 90 आएगा। अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए 30 आ गया, अगर थीटा की वैल्यू 30 आ गई फ्रेंड्स, तो 90 माइनस में अगर हम 30 कर देंगे तो 16 जो है हमारा इसकी वैल्यू पता चल जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर 30 आ गया तो इसकी वैल्यू 60 आ गया, और दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 30 प्लस में 60 कितना होता है 90, ठीक है। तो इसे हम पूरक कोण बोलते हैं, दो कोणों को जब हम जोड़ते हैं ए प्लस में बी तो वो हमारा 90 बनता है, तो 90 यहां पर भी बन रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम थीटा मान सकते हैं और इसको 90 माइनस थीटा मान सकते हैं, चाहे तो आप इसको थीटा मान सकते हैं और इसको 90 माइनस थीटा मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें माइनस करना होगा तभी ये होगा। अब देख लीजिए यही है, इन दोनों को मिलाने के बाद 9 बना, तो इसमें से जो है मैंने 9 में से 4 माइनस कर दिया तभी तो ये हमारा 5 निकला, दोनों को मिलाने के बाद 9 बनता है, तो दोनों को मिलाने के बाद ये 90 डिग्री का बनता है, और एक कोण हमें नहीं पता है तो इसलिए अभी हमने माइनस नहीं किया है, अगर माइनस कर देंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी, जैसे मान लीजिए इसमें हमने जो ट्रिक अप्लाई किया है। चलिए तो अब हम फ्रेंड्स ये देखते हैं कि हमें जो है एच फाइंड करना है, तो एच में हमें जो है आधार हमें मिल चुका है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 वाला लंबटे में आधार। तो हम सबसे पहले कोई भी आप सॉल्व कर लीजिए, सबसे पहले चाहे आप जो है त्रिभुज एबीसी सॉल्व कर लीजिए या एबीडी, तो हम सबसे पहले त्रिभुज जो है एबीसी सॉल्व कर लेते हैं, तो त्रिभुज ऐसे हम लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो इसमें हम जो है टेन हमारा हो जाएगा टेन, और आपको पता है कि जब भी हम टेन के साथ जो है थीटा होता है तो थीटा जो होता है वो हमारा इंडिकेट करता है एंगल को, तो इसमें जो हमारा एंगल है वो है थीटा, तो टेन थीटा हम लिखेंगे थीटा, और इसकी वैल्यू जो है हमें अभी तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है ना, जब इसकी वैल्यू पता हो जाएगी तो वो हमारा एच भी फाइंड हो जाएगा। तो टेन थीटा लंब बटे में आधार, तो हमारा जो लंब है वो एच है, एच मान लेते हैं, इसको एच ही रहने देते हैं, और इसको जो आधार जो हमारा है ना, हम त्रिभुज एबीसी में है मतलब कि इन पूरे में, तो एबीसी में जो है बीसी हमारा आएगा ना, क्योंकि हमारा जो लंब हो गया वो एबी हो गया और आधार हो गया वो हमारा बीसी हो गया, क्योंकि हम त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो बेस हो गया वो हमारा हो गया 9 का। तो ये हम हमारा समीकरण एक हो गया, इक्वेशन हम एक मान सकते हैं इसको। अब हब हम आ जाते हैं त्रिभुज एबीडी में, और दोनों को हमें लास्ट में पता है क्या मल्टीप्लाई करना होगा तभी हमारा आंसर आ जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब हम इसमें क्या करेंगे, लंब बटे में आधार सेम वही हमें लगाना है, टेन का फॉर्मूला ही लगाना है टेन, और इसमें जो हमारा एंगल है वो 90 माइनस थीटा वाला लगेगा, क्योंकि देखिए यहां पर जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा वाला लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें 90 माइनस थीटा वाला हमारा लग जाएगा ये एंगल वाला, तो टेन यहां पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार सेम ही हमें लगाना है H हम इसे, और आधार जो हमारा हो गया वो 4 हो गया BD, क्योंकि हम त्रिभुज ABD की बात कर रहे थे, तो BD जो हमारा हो गया 4 हो गया। तो अब हमारा ये इक्वेशन 2 बन गया। अब एक चीज जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन जो है 90% यही कर देगा। अब एक चीज ध्यान रखिए कि टेन जो होता है ना एक फॉर्मूला है आपका, बुक में आप देखेंगे डीपली पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो ये जो हमारा है ना इसको हम जो है चेंज कर देंगे, टेन 90 माइनस थीटा जो है इसको हम चेंज करके कोट, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, ठीक है, एच बटे में 4। तो हमारा
एच बटे में चार यहां पे आ चुका है कोट थीटा। और अब हमारा क्वेश्चन गाइस बिल्कुल हो गया, मतलब कि 90% कंप्लीट हो चुका है, बस 10% रहा है। तो हमारा इक्वेशन वन आ गया और इक्वेशन दो आ गया। तो हम पता है क्या करेंगे, इक्वेशन वन जो है ना, समीकरण वन तथा समीकरण दो को गुना करने पर, ठीक है, ये हमें लिखना होगा गुना करने पर, ऐसा हम लिख देते हैं ताकि जो हमें मार्क्स मिले, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर जो है चेक करता है कि कैसे इस बच्चे ने किया है। तो समीकरण एक ले लेते हैं, टेन थीटा हमारा कितना था, टेन थीटा हमारा जो था वो एच बटे में नाइन था, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमारा जो टेन, उसके बाद समीकरण दो था कोट थीटा इक्वल टू एच बटे में नाइन था, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे कर देंगे। तो चलिए यहां पर कर देते हैं, टेन थीटा इंटू सी टू कोट थीटा इक्वल टू एच बटे में नाइन इंटू हमारा जो है एच बटे में नाइन ये है फ्रेंड्स, और ये एच बटे में फोर है, सॉरी, ठीक है, कोट थीटा हमारा एच बटे में फोर है, एच बटे में फोर। तो आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा कि टेन थीटा इक्वल टू टेन को हम, और हम कोट को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोट को एक बटे में टेन, चाहे आप इसको चेंज कर दीजिए, टेन को हम जो है एक बटे में कोट भी लिख सकते हैं और कोट को जो है एक बटे में टेन भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने दोनों में किसी को एक को चेंज कर दिया, इक्वल टू हमारा एच जो है ना, जब हम एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एच स्क्वायर आ जाएगा। आपको आपने पढ़ा ही होगा कि दो को दो से गुना करेंगे तो टू का पावर आ जाता है, टू स्क्वायर आ जाएगा, तो एच का स्क्वायर और नौ चौक छत्तीस हो गया, ठीक है, ये छत्तीस हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एक बचेगा, ठीक है, एक बचेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब हमारा जो है इससे ये कट गया तो हमारा एक आ गया यहाँ पे, और एच जो है हमारा स्क्वायर में है और यहाँ पे है जो है 36। अब देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका हो गया, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन था ना, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारा एक बच गया और एच का स्क्वायर बटे में 36। अब हम पता है आपको, आप जानते हैं कि जब हम कोई इक्वल टू होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का स्क्वायर कम एच का स्क्वायर ये आ गया हमारा और 36। और आपको स्क्वायर रूट अगर नहीं आता है गाइस तो मैं आपको बता दूंगा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट में पता है क्या होता है, जब कोई मतलब कि एक्स है और इसके ऊपर दो है और यहां पर 36 मान लीजिए, तो ये जो स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर इक्वल के इधर जाकर जो है ना साइन चेंज हो जाता है, ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट में हो जाएगा। आपको पता है भाग वाला जो है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है और प्लस वाला इधर जाके माइनस में हो जाता है, तो स्क्वायर वाला जो है अंडर रूट में हो जाएगा। तो एच यहीं पे रहने देंगे और इसको स्क्वायर को जो है हम स्क्वायर को चेंज करेंगे, इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो 6 × 6, तो एच का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 6 आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए 6 × 6 तो 6 का स्क्वायर आ गया और ये, और इससे ये कैंसिल हो जाता है। देखिए अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 × 6 = 6 का स्क्वायर, h × h = h का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहीं पे मैंने लिखा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा कैंसिल होगा और हमारा 6 आ गया। चाहे तो आप 36 को जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड द्वारा, 2 × 18 आ जाएगा, उसके बाद 2 × 9, उसके बाद 3 × 3, 3 × 3। तो स्क्वायर में आपको पता है कि पेयर बनाना होता है, तो ये एक बार हम 2 ले लेते हैं और एक बार 3, तो एक बार 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 = 6, तो एच का आंसर आ गया 6। तो ये हमारा जो आंसर हो गया बिल्कुल सही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है ये करना। और अगर आपको अभी भी नहीं आया फ्रेंड्स तो अभी भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी डाउट है ना, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने हैं तो मैं जो है आपके लिए रेडी हूं, हमेशा मतलब कि तैयार हूं, आप जो है पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। एक बार और आप देख लीजिए इन सभी को, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।